सरों का। जगदलपुर में मशाल रैली में छात्रों के झुलसने का मामला, मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जगदलपुर में मशाल रैली की घटना से गरमाई सियासत, सड़कों पर उतरे एबीवीपी कार्यकर्ता। दंतेवाड़ा में ट्री मैन सिंड्रोम बीमारी से जूझ रही युवती, सोनू सूद ने किया युवती के लिए ट्वीट। सूरजपुर में सामाजिक आर्थिक जनगणना और बेरोजगारी भत्ते की हुई शुरुआत, 2500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार। गरियाबंद में तेज रफ्तार का कहर, बस से टकराकर युवक की मौत। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। जगदलपुर में आग से दो कार्यकर्ताओं के चेहरे बुरी तरह से झुलस गए और तीन कार्यकर्ताओं के शरीर पर भी आग के चपेट में आ गए हैं, तो वहीं एक छात्र के हाथ में मामूली चोट आई है। घटना के तुरंत बाद सभी झुलसे कार्यकर्ताओं को शहर के महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे दो कार्यकर्ताओं को रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस भवन से लेकर शहीद अमर जवान चौक तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मशाल रैली निकाली जानी थी, इसी बीच मशाल जलाते वक्त ये घटना हो गई, तो वहीं मौके पर 60 लोग मौजूद थे। यह अभी कहीं शहर में मशाल जुलूस निकाला जा रहा था, ऐसा बताया गया कि उसी में कुल 5 लोगों को आग से जलने की सूचना मिली थी और उन्हें अस्पताल लाया गया है। 5 अभी खतरे से बाहर हैं। 5 में से 4 लोगों को करीब 10-15% जलने की सुपरफिशियल बर्न हुआ है और उसमें एक व्यक्ति को 30% से कुछ ज़्यादा सुपरफिशियल बर्न है। सभी का इलाज चल रहा है, सभी अभी ठीक हैं और खतरे से बाहर। क्या लगता है आने वाले समय में? तो 30% से ज़्यादा जिनके चेहरे पर बर्न की। जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी की मशाल रैली के दौरान हुए हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि पार्टी कांग्रेस राजनीतिक पूर्ति के लिए छात्रावास के बच्चों का उपयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक कार्यक्रमों में बच्चों को उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं की अगुवाई में मशाल रैली निकाली गई, जिसमें मशाल जलाने के दौरान हादसा हो गया और आग में झुलसकर 5 कार्यकर्ताओं घायल हो गए। अब इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप ने घायलों को नेहरू छात्रावास के स्कूली बच्चे होने का दावा किया है। उन्होंने कहा पूरा घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी माफी मांगे और घायल छात्रों का इलाज सुनिश्चित करवाए। वहीं पलटवार करते हुए सांसद दीपक बैज ने कहा कि मैंने छात्रावास में रहकर ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए बच्चों को जिस आग में झोंक रही है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। कांग्रेस पार्टी अब उनके पास में उनके कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, जो छात्रावास के बच्चों को निकाल करके इस रैली में सम्मिलित कर रहे हैं, मशाल रैली में सम्मिलित कर रहे हैं। जगदलपुर की घटना पूरे प्रदेश, पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। कांग्रेस पार्टी ने नेहरू छात्रावास के बच्चों को अपने रैली में सम्मिलित करवाया, उनको उनके हाथों में मशाल थमवा दिया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के विरोध में लोकतंत्र का बचाओ, इस संबंध में लगातार केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस आंदोलन कर रही है और कल भी पूरे प्रदेश स्तर के सभी जिला मुख्यालय में मशाल यात्रा था और उसमें निश्चित रूप से कुछ दुर्घटनाएं हुई, उसके चलते कुछ हमारे लोग झुलस गए, लेकिन अभी मैं अस्पताल जाके आया, सुरक्षित है,
जो अभी चाह रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग रायपुर रेफर किए हैं, हमारे सभी बड़े लेखता लगातार संपर्क में हैं और इलाज भी अच्छा हो रहा है, सब सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केदार कश्यप जी कह रहे हैं, पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, ये जो मामला हुआ है, इसके बाद से भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? मैम, पहले तो नाबालिग छात्रों को इसमें इंक्लूड किया गया रैली में, कांग्रेस की रैली में, जो कि उनके इच्छा के विरुद्ध था, ऐसा बच्चों का कहना है, ऐसा बच्चों का कहना है। और लापरवाही ये हुई, जहां मशाल बनाए गए उसमें किरोसिन का प्रयोग कराया जाना था, उन्होंने पेट्रोल का प्रयोग किया। और जैसे राजीव गांधी भवन से ये इनकी रैली निकली है, मशाल रैली, आधे रास्ते में पांच बच्चे झुलस गए, दो तो बहुत बुरी तरीके से झुलस गए। और उसके बाद जहां सहानुभूति देने की बारी आनी चाहिए, वहां पे कांग्रेस और भाजपा सियासी रोटी सेक रहे हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जी मैम, मतलब जो छात्र हैं, जो घायल हैं, उनका इलाज जारी है, उनकी क्या स्थिति है? मैम, पांच छात्रों में से दो बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति में हैं, उन्हें रायपुर रिफर कर दिया गया है और बाकी जो छात्र हैं वो भी अभी नॉर्मल कंडीशन में हैं, लेकिन उन्हें कुछ महीने लगेंगे रिकवरी के लिए, क्योंकि स्किन बहुत हद तक उनकी जो है जल चुकी है। मैम जी, धन्यवाद वरुण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। जगदलपुर में कांग्रेसियों के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बता दें कि कांग्रेसियों के द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लापरवाही की वजह से कुल छह नाबालिग बच्चे बुरी तरह से झुलस गए और दो नाबालिग बच्चों की बुरी हालत देखते हुए उन्हें तत्काल रायपुर रेफर कर दिया गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हॉस्टल के नाबालिग छात्रों को रैलियों में बिना उनकी सहमति के बुला लिया जाता है और ये कई समय से चल रहा है और हॉस्टल को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक के बेंगोफर गांव में रहने वाली युवती पिछले कई सालों से ट्री मैन सिंड्रोम बीमारी से जूझ रही है। वही बीमारी के इलाज को लेकर दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा इलाज के लिए मदद की जा रही है, जिसको लेकर एक्टर सोनू सूद ने भी ट्वीट किया है। वही कलेक्टर के प्रयास से स्वास्थ्य विभाग बच्ची को उचित उपचार के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज भी भेजा गया है। जिला प्रशासन ने जागेश्वरी के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी दिए हैं, साथ ही जागेश्वरी के इलाज में आने वाले समस्त खर्च विभाग और जिला प्रशासन वहन करेगी। सूरजपुर के भवराही में सामाजिक आर्थिक जनगणना और बेरोजगारी भत्ते का शुभारंभ किया गया, जिसमें संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, कलेक्टर इफ्फत आरा, जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम उपस्थित रहे और योजना के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही संसदीय सचिव ने भवराही में 26 लाख की लागत के पुलिया निर्माण का भी भूमि पूजन किया। संसदीय सीईओ ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवा बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठाएं, सरकार 2500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देगी। पात्र ऐसे लोगों का संरक्षण करके और उसका लाभ, उनके परिवार का लाभ देने और जिनके पास वास्तव में आवास की आवश्यकता है और उनको आवास नहीं मिल पाए, ऐसे लोगों को इस संरक्षण के माध्यम से आवास का भी लाभ मिलेगा, राशन कार्ड का भी लाभ मिलेगा और जो पेंशनधारी हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, पर बीपीएल परिवार में नाम मिलने के कारण उनको पेंशन से अपात हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मिलेगा। ऐसी संचालन करने से हमारे छत्तीसगढ़ की जो योजना है कि गरीबों, किसानों और मजदूरों को कैसे लाभ मिले, उसके लिए जो योजना बनी है। मासमुंद के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिलवापाली में
एक बुजुर्ग व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। वहीं पुलिस ने मृतक के दो बेटों और बहुओं को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक दोनों पुत्र और बहू जमीन बेचकर पैसे को बेटी को देने से नाराज थे, जिसके चलते पुत्र और बहुओं ने मिलकर रस्सी से गला घोटकर बुजुर्ग की जान ले ली। वहीं पूरी घटना की पुष्टि थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी ने की है। जांजगीर चांपा में रामनवमी के अवसर पर कई शादियां हुई। वहीं बमहनीढी में एक परिवार ने अपनी दो बेटियों की शादी दो भाइयों से तय की थी और गाजे बाजे के साथ बारात दुल्हन लेने भी गई, लेकिन बारात के साथ महिला और बाल विकास विभाग की टीम भी गांव पहुंची और छोटी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की जांच की, जिससे लड़की की उम्र 17 साल 5 महीने पाई गई और परिजनों को शादी ना करने की समझाइश भी दी। तो वहीं वर वधू दोनों पक्ष को समझाइश देते हुए शादी रुकवाई गई। साथ ही महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बाल विवाह रोकने के लिए बने सख्त कानून के बारे में बताया और लोगों से बाल विभाग ने बाल विवाह ना करवाने की भी अपील की। कल रात को सूचना प्राप्त हुई कि तहसील बमनीडीह के गांव पुछेली में बाल विवाह हो रहा है। जब मुझे सूचना प्राप्त हुई तो टीम को भेजा गया, वहाँ पे वास्तव में बाल विवाह हो रहा था। लड़की की उम्र 17 वर्ष 5 माह थी, इसीलिए तत्काल बाल विवाह को रोकवाया गया। क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, बाल विवाह करना कानूना अपराध है, इसलिए 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें सजा का भी प्रावधान है। अतः मेरी आम नागरिक को और सभी से अनुरोध है कि अपील है कि बाल विवाह होने पर तत्काल जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग को सूचना दी जावे। जगदलपुर में जिलों के सभी ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल से जल का कार्य चल रहा है। तो वहीं योजनाओं के लिए हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप के आधार पर भू जल स्रोतों के चयन कर सफल स्रोत निर्माण करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला जगदलपुर के निजी होटल में प्रारंभ की गई। इस कार्यशाला में नेशनल रिमोट सेशिंग सेंटर हैदराबाद से डॉक्टर आई सी दास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाटर सेक्टर डॉक्टर निनाद बोधनकर, विभाग अध्यक्ष जियोलॉजी विभाग ट्रेनिंग के अनुसार ग्राम चिरपाल विकास खंड दरभा में स्रोत का चयन कर नलकूप खनन का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ भूजल रिचार्जिंग के लिए स्थल चयन किया जाएगा और इनका निर्माण कर पेयजल को सुरक्षित किया जाएगा। जगदलपुर में प्रारंभ हो रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया और वीर सावरकर सभागार में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण में कलेक्टर चंदन कुमार ने सभी की टीम भवन के साथ कार्य करने का पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि सर्वेक्षण हेतु सुपरवाइजरों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। आपका दायित्व है कि प्रगणकों के समूह के साथ उचित समन्वय स्थापित कर उनकी आवश्यकता अनुसार आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों के सहयोग से संपूर्ण सर्वेक्षण कार्य पूरा कराएं। पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से के साथ प्रारंभ होगा। बस्तर जिले में इसके लिए 456 प्रगणक दल नियुक्त किए गए हैं। गरियाबंद में तेज रफ्तार बस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि फिंगेश्वर में 15 दिन के अंदर फिर बस की ठोकर से एक बाइक चालक युवक कोमल कश्यप की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक महासमुंद की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। तो वहीं बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। अभी तत्कालिक यह हुआ है, रोड एक्सीडेंट बस से हुआ है। एक मृतक तत्काल स्पॉट में ख़त्म हो गए हैं। वो सूचना पर आए हैं, मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। हुआ सर बस से? बस कहाँ पे हुए सर? ये यही फिंगेश्वर के पास है रोड में। खबर नारायणपुर से है, जहां पर नक्सलियों ने बस में आगजनी की और लाखों की संपत्ति खाक हो गई। बता दें कि नारायणपुर से
बैला डेला चलने वाली बस्तर ट्रेवल्स यात्री बस को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था, तो वहीं यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और घटनास्थल के आसपास लगे कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। नक्सलियों ने मालीवाही और बोदली के बीच बस को रोककर घटना को अंजाम दिया है। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और मालवेही थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। अकलतरा में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए की ठगी की गई है। जानकारी के मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेटर के संविदा पद में नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। वहीं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी उसके घर में होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस ने आरोपी के घर जाकर दबिश दी और आरोपी प्रमोद लहरे निवासी देवरी को पुलिस हिरासत में ले लिया और पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। प्राइम छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।